नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अर्थ जगत की बड़ी खबरों पर। आईडीबीआई बैंक ने देशभर में लॉन्च की स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्कीम का मकसद अनुसूचित जाति और जनजातियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। पात्र लाभार्थियों को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा लोन। फिर बाजार में बिकेगा मैगी का आटा नूडल्स। नेस्ले का मैगी मसाला और चिकन नूडल्स पहले ही बाजार में मौजूद। बाजार में खोई अपनी हिस्सेदारी वापस पाने का उद्देश्य। HDFC कंपनी अपनी जीवन बीमा इकाई की 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। विनिवेश को लेकर की घोषणा। कंपनी के शेयरों में 1.48% की वृद्धि देखने को मिली। क्रूड के दामों में आई गिरावट से बड़ी ONGC की मुश्किलें। कम लागत और कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाए रखने में आ रही है दिक्कतें। कंपनी की 17 देशों में 26 तेल और गैस एसेट्स में हिस्सेदारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, बेहतर मानसून से होगा 8% से ज्यादा GDP का ग्रोथ। इस साल बेहतर मानसून का है अनुमान। कंपनियों द्वारा FD के जरिए फंड जुटाना आसान। FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। कॉरपोरेट डिपॉजिट के आसान होंगे नियम। तो ये थी अर्थ जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।